इस संबंध में थाना कैंट के एक मुकदमा नंबर 123 दर्ज रजिस्टर किया गया, जिस दे विच साडी सीआईए की टीम ने एक इनफॉर्मेशन मिली सी कि कुछ बंदे थाने कैंट के एरिया एक ग्रोह चला रहे हैं, जिस दे विच मोबाइल जिहड़े पार्ट्स हैगे ने उन्होंने चोरी के पार्ट्स लिया के असैम्बल करके ते उस तो बाद उन्होंने जाली IME नंबर जनरेट करके उन्होंने अगे एज ए ओरिजिनल जैनुअन मोबाइल के तौर पर बेच रहे हैं। इस दे विच साडे कोल टोटल 278 मोबाइल जिहड़े फोन ने रिकवर किए गए जो असैम्बल ने। इस तो अलावा 1100 के करीब जाली IME स्टिकरस जिहड़े उन्होंने जनरेट किए हुए हैं वो सानू रिकवर हुए हैं। ये जनरली जो IME नंबर उन्होंने स्टिकरस के तौर पर लगाए गए थे वो आलमोस्ट एक ही नंबर या दो नंबर होंगे जो बार बार वो अलग अलग मोबाइल के उपर नंबर के उपर जो लगा के सेल करते हैं। इसके अलावा ये जो थाना कैंट के मुकदमा दर्ज होया ये जो मोबाइल ज मदरबोर्ड होंगे ने वो भी कुछ मात्रा के साडे को रिकवर किए गए हैं। सो ये फरदर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है भी जो पार्ट से कितों लैके आते या कितों चोरी दे जे कौन लेके सप्लाई करता स तो फरदर जे सेल करते कि रिटेल की शॉप से सेल करते हैं। इस संबंध में फरदर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मदरबोर्ड की गिनती है तकरीबन 1100 के करीब मदरबोर्ड है जेडे इन्होंने पोजेशन रिकवर हुए। ये 400, 471, 379, 120। इस तो अलावा जो मोबाइल रिगार्डिंग टैंपरिंग रिगार्डिंग जो रूल्स है स्पैशल रूल्स ने मुकदमा दर्ज किया जी। देखो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय ये फॉरवर्ड तो बैकवर्ड लिंकेजेस दोनों असं वर्क कर रहे हैं। सो जी दो दोषी ने इन की पूरी पूछ पड़ताल होने तो बाद ही इस कंकलूजन पहुंचे जा सकते। रिमांड किस तरह जी बिल्कुल रिमांड लैके फरदर इन्वेस्टिगेशन की।